वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम बियर एंड रेगुलर बियर। बियर में बहुत सारा वैरायटी आपको दिख जाता है, उसमें से कुछ एक्सपेंसिव बियर भी होता है, थोड़ा सा सस्ता बियर भी होता है। तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में और क्यों वो प्रीमियम क्वालिटी कहलाता है और वो क्यों थोड़ा सा रेगुलर कहलाता है, मतलब सस्ता कहलाता है। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि प्रीमियम बियर आपको हमेशा पीना चाहिए या रेगुलर बियर भी चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधा सीधा दूं तो ये मैं बोलूंगा कि काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब मेरे पास तो राइट आंसर नहीं है। मतलब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता हूं कि आपको हमेशा प्रीमियम बियर के साथ ही चलना चाहिए। क्यों, ये आप वीडियो के दौरान समझ जाएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि कौन सा बियर को प्रीमियम बोला जाता है, कौन सा बियर को रेगुलर बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए मैं अगर बोलता हूं कि किंगफिशर लेगर बियर स्ट्रॉन्ग ले लीजिए या आप प्रीमियम ले लीजिए, मतलब किंगफिशर को तो ऐसे ही प्रीमियम बोलते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इससे भी अच्छा क्वालिटी, मतलब किंगफिशर से भी अच्छा क्वालिटी बियर आपको मिलता है, जैसे कि होगार्डन है, बडवाइजर है, कल्सबर्ग है, ये सब अच्छे क्वालिटी बियर है एज कम्पेयर टू किंगफिशर, ऐसा ही तो बोला जाता है। तो इन सब बियर को क्यों अच्छा क्वालिटी बोला जाता है, थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं। किसी भी प्रीमियम क्वालिटी बियर को प्रीमियम कहलाने से पहले आपको देखना होगा कि उसका अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है वो कितना प्रीमियम है। अक्सर देखा जाता है कि बियर जो हम लोग पीते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहता है उसके साथ काफी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या लगता है वो पहले जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं बियर में चार इंग्रेडिएंट्स लगता है, वाटर, ईस्ट, हॉप्स एंड माल्टेड बार्ली। अब ये अगर चार इंग्रेडिएंट्स को आप साइड में रख दे तो पांचवा इंग्रेडिएंट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी कंपनी ये पांचवा इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं जिसको बोला जाता है एडजंक्ट। अब ये एडजंक्ट निर्णय करता है कि बियर चीप बनेगा, मतलब सस्ता बनेगा, या रेगुलर बनेगा, या क्वालिटी बनेगा, मतलब प्रीमियम बनेगा। अब ये एडजंक्ट क्या है, इज अ अनमॉल्टेड ग्रेन और ग्रेन प्रोडक्ट्स यूज्ड इन ब्रिविंग बियर विच सप्लीमेंट द मेन मैश इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए राइस, कॉर्न, व्हीट, अनमॉल्टेड बार्ली, ओट, ये सब एडजंक्ट है और ये सब प्रोडक्ट को यूज किया जाता है बियर को थोड़ा सा सस्ता बनाने के लिए, क्योंकि माल्टेड बार्ली से अगर बियर बनेगा, फुल माल्टेड बार्ली से बियर बनेगा तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एडजंक्ट है इसको भारी मात्रा में माल्टेड बार्ली के साथ मिक्स करके और बियर को बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एडजंक्ट सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है एक बियर को रेगुलर बनाने में। यहां पर मैं जैसे कि बोला था कि काफी कंफ्यूजिंग है, जी हाँ, यहां पर यह माना नहीं जाता है कि एडजंक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ लो क्वालिटी बियर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बहुत कंपनी है जो बियर बनाता है विदाउट एडजंक्ट पॉसिबल है ही नहीं, उन लोगों का जो रेसिपी है वो एडजंक्ट बिना बन ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे बोलूंगा बडवाइजर बियर, वहां पर जो राइस को इस्तेमाल किया जाता है माल्टेड बार्ली के साथ उसका जो परसेंटेज है वो है 60-40 या 70-30, ऐसा कुछ रेशियो। इसमें बडवाइजर जो है बहुत ही क्रिस्प होता है, बहुत ही क्लीन और बहुत शार्प देखने में आता है। तो एडजंक्ट हमेशा बैड रोल प्ले करता है ये भी सही नहीं है, मतलब एडजंक्ट कभी कभी बियर को प्रीमियम बनाने में मदद करता है और कभी कभी बजट फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। कभी कभी एडजंक्ट वाइटल रोल प्ले करता है बियर का जो कैरेक्टर है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। तो घूम फिर के ये क्वेश्चन फिर से आता है तो फिर हम लोग प्रीमियम बियर किसको बोलेंगे, क्योंकि सब बियर में तो थोड़ा बहुत एडजंक्ट का मिश्रण आ ही जाता है, तो फिर प्रीमियम बियर कैसे बनेगा। यहां पर मैं आपको कुछ चीज बोलने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रीमियम बियर तब प्रीमियम बनता है जब उसका जो पैकेजिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। वो बियर तब प्रीमियम बनता है जब ब्रूइंग प्रोसेस में
काफी टाइम से उसको रखा जाता है। और तो और प्रीमियम बियर का जो टैग है वो प्रीमियमनेस में तब पहुंचता है जब वो भारी भरकम चार्ज करता है आपसे, मतलब उसमें टैक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स उसमें लग के वो प्रीमियम बना देता है। हालांकि आप ज्यादा पैसा देते हैं उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो एक्चुअली आम है, प्राइस के चलते पैकेजिंग के चलते आपके पास खास हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनिए मेरे बात को कि मोस्टली जितना भी बियर होता है वो सब ऑलमोस्ट सेम टेस्ट करता है, बहुत टाइनी डिफरेंस रहता है, बहुत सूखा बहुत बारीकी डिफरेंस रहता है एक प्रीमियम बियर के साथ एक रेगुलर बियर का। एक बात बोलना बहुत जरूरी है तब जाकर और भी आप समझ जाएंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोग जो सस्ते प्राइस में मिलते हैं बियर उसको हम लोग सोचते हैं कि ये बजट फ्रेंडली है, मतलब ये रेगुलर बियर है, और जो एक्सपेंसिव बियर है वो मतलब जो हाई चार्ज करता है आपको उसको हम लोग सोचते हैं कि वो प्रीमियम क्वालिटी बियर है। मिलर बियर को शायद आप जानते हैं जो शैब मिलर बनाता है। जब इंडिया में प्लांट लगाया था तब वो बोला था कि मैं जब बियर बेचूंगा तो मैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी बियर बेचूंगा और उसमें 80% मैं माल्टेड बार्ली को यूज करूंगा और बाकी इंग्रेडिएंट्स को 20% यूज करूंगा, बहुत हाई क्वालिटी बियर बनाऊंगा और उसको सस्ते दामों में बेचेंगे, यानी 90 रुपीज में बेचेंगे क्योंकि मार्केट को भी पकड़ना है। तो उसी हिसाब से वो इंडियन गवर्नमेंट से पेटेंट लगवा लिया। अब उसके बाद वो प्रोडक्शन चालू किया, मतलब रॉयल चैलेंज बियर ना 80% माल्टेड बार्ली से बनता है, हालांकि प्राइस जो है वो ओनली 90 रुपीज है। तो क्या सोचेंगे आप सोचेंगे कि वो सस्ता बियर है ना, यू नो 90 रुपीज तो बहुत आम हो गया ना, खास तो नहीं है। तो आप उसी हिसाब से रॉयल चैलेंज को भी स्टैंप लगा देंगे कि ये शायद नो रेगुलर बियर है। ऐसा नहीं है, इंग्रेडिएंट्स जो यूज होता है एज पर द FSSAI की नियम के अनुसार बॉटल के पीछे लिखना पड़ता है। तो आप अगर बॉटल को टर्न करेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें सारा का सारा डिटेल्स लिखा रहता है। ध्यान करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप रेगुलर बियर खरीदा है या प्रीमियम बियर। भूल जाइए क्या प्राइस आपसे लिया गया है। तो फाइनली मेरा जो जजमेंट है इस वीडियो के दौरान आपको मैं बोलना चाहूंगा, देयर इज नो प्रीमियम बियर और रेगुलर बियर, जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसी के साथ आपको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली।